ओम गुरूर बर्मा, गुरूर गुरूर बर्मा, श्री साई राम गुरु रुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर वर्मा तस्मय श्री गुरुवे नम सबसे पहले ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी नारायण स्वरूप भगवान श्री संजय साई बाबा के चरण कमलों में साष्टांग धन्यवाद भगवान श्री संजय साई बाबा के तैतीसो शुभ जन्मोत्सव के पावन तिथि पर दीर्घायु और सुस्वास्थ्य का शुभकामना भगवान का चरण कमल में विनती प्रार्थना करता हूँ इस पावन अवसर के समय पर श्री संजय साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ने स्वामी का तैतीसों बर्थडे का शुभ अवसर पर तैतीस दिन तक भव्य और दिव्य रूप से मनाने का जो निर्णय करके आज का प्रोग्राम में शाही महिमा के बारे में बोलने के लिए जो शुभ अवसर दिए हैं इसके लिए भगवान बाबा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ किर्थ 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 रखना चाहता हूं। और मैं साई महिमा के बारे में कुछ मंतव्य रखना चाहता हूँ ये रखने समय में कुछ भूल कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा याचना करता हूँ इस ब्रह्मांड नवग्रह और नक्षत्र के निर्माता ईश्वर हैं उसी ने हैं। तो इस ब्रह्मांड सूर्य चांद और पृथ्वी के निर्माण किए हैं जब पृथ्वी का निर्माण किए तो इसमें रहने वाले प्रकृति नदी नाला के सृष्टि के साथ साथ मानव और पशु पक्षी का साथ साथ कीट पतंग और पृथ्वी में रहने वाले संपूर्ण जीव का भी सृष्टि किए हैं ये सब जीव और प्रकृति साथ साथ में मिलके प्रकृति के अनुसार चलने के लिए दिशा निर्देश भी करने करके दिए हैं लेकिन प्रकृति पशु पंखी अपना सच्चा पथ और ईश्वर ने जो नियम बनाए थे उसी मुताबिक नियम पालन करके चल रहे हैं और लेकिन जो जीव का सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है वो ईश्वर ने बनाए प्रकृति में सत्य युग में तो चले उसके बाद तिरता युग द्वापर युग शुरू हुआ तो मानव ने वो ईश्वर ने दिया हुआ प्रकृति नियम भूलने शुरू किया इसी के कारण घर घर में घर छिमेक में भाई भाई में माता पिता और बाप बेटा बीच में बीच में ईर्ष्या क्रोध बढ़ने लगा बहुत क्रिमिनल होने लगा और उसके बाद में देश देश में झगड़ा होने लगा और मानव के अंतर हृदय में काम क्रोध लोभ मोह माया के जड़ और बढ़ने लगा इसीलिए हरेक युग में भगवान ने मानव कल्याण और धर्म रक्षा के लिए मानव के रूप में इस पृथ्वी में अवतार लिए हैं यही सिलसिला में कलयुग में मानव कल्याण और धर्म रक्षा के लिए भगवान साई का भी अवतार हुआ है वो अवतार सबसे पहले शिर्डी में शिर्डी शाही के रूप में उसके बाद में आंध्र प्रदेश में सत्य सत्यशाही के रूप में और वही मिशन और मानव कल्याण और धर्म रक्षा के लिए अभी हिमालय के काख में सार्वभौम राष्ट्र और पशुपतिनाथ के मंदिर के साथ साथ मंदिर मंदिर के शहर के बीच नेपाल में भगवान श्री संजय साई बाबा का अवतार हुआ है हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि इसी समय में हम लोग भी हम लोग का भी जन्म हुआ है इसके लिए भगवान बाबा के चरण कमल में कीर्त कीर्त होना चाहिए इतने से हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है हम जब मानव चोला में भगवान का अवतार के साथ में आए हैं तो हम कौन है और किसी लिये भगवान ने हमको जन्म दिया है इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और सही का मतलब क्या होता है भगवान हमसे क्या चाहते हैं इसके बारे में भी सोचकर अपना जीवन शैली उसी मुताबिक मोड़ना चाहिए बाबा हर समय कहते हैं सबसे पहले तुम अपना अंदर झाको और अपना अंदर हृदय को सफा करके अंदर देखने कोशिश करो तुम्हारा हृदय के अंदर में मैं, मैं हूं। प्रेम दिल से और भाव से पुकारोगे तो तुम्हारा अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह मैं हूँ जिधर देखो उधर मैं पाओगे लेकिन तुम्हारा हृदय साफ और प्रेम से भरा होना चाहिए हम लोग जितना अपना अंदर हृदय साफ कर सकेंगे उतना ही भगवान को प्राप्त कर सकेंगे आजकल ये पृथ्वी में बहुत गुरुजन और सांप्रदायिक भाव के धर्म है और आ, हर धर्म में ये होना चाहिए और ऐसा टीका माथे में लगाना चाहिए ऐसे कपड़ा होना चाहिए और ये जात वो जाति आदि में निर्भर करके धर्म धर्म अलग अलग करके मानव का भी बंटवारा कर रहे हैं लेकिन साईं भगवान ऐसा नहीं कराते हैं साईं कहते हैं कि मुस्लिम है तो असल मुस्लिम बन के दिखाओ हिंदू है तो असल हिंदू बनो बुद्धिस्ट है तो असल बुद्धिस्ट बनो सिख है तो असल सिख बनो क्रिश्चियन है तो असल क्रिश्चियन बन के दिखलाओ एक धर्म धर्म ने दूसरा धर्म को घृणा मत करो हेल्प एवर हट नेवर लव ऑल सर ऑल अपने में आप असल बनो दूसरा का निंदा करके बैठना नहीं अपने में अपना हृदय को निंदा करो चिंतन करो अपने अंदर में बसा हुआ घृणा काम क्रोध लोभ को हटाओ साफ करो तब ईश्वर अपने आप अंदर आएंगे और तुम सबको मार्ग कर निर्देश करेंगे कोई भी आदमी जन्म लेते हुए सब कुछ लेकर नहीं आते हैं छोटा उम्र से ही चरित्रवान नैतिकवान धर्मवान बनने का कोशिश करेंगे तो अपने आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रोग्रेस करेंगे जब अपने आप को हृदय साफ करे करके चलेंगे तो साई भगवान हृदय में आकर बैठेंगे और मार्ग निर्देश करेंगे भगवान साई का यही सर्वधर्म प्रिय और समभाव के सिद्धांत के खातिर विश्व में साई का प्रभाव पड़ा हुआ है आज विश्व में साई का सबसे बड़ा महिमा है जो व्यक्ति साई के उपदेश और मिशन में लगेंगे और समर्पित होंगे उनको कभी संकट और आपद विपद कभी नहीं आएंगे उनका जीवन धन्य हो जाएंगे इसीलिए हम लोग सब जीव जाति के सर्वश्रेष्ठ मानव जाति चेतनशील प्राणी भगवान साई बाबा का उपदेश और महिमा हृदयंगम होकर अपना जीवन आगे बढ़ाने का साथ साथ जो ना, ना समझ है उनको भी समझा कर सब में सब को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य साई का सुपात्र बनेंगे और अपना जीवन भी धन्य पाएंगे जब हम अपना श्रीदेह का साथ प्रेम करके भगवान के पुकार करेंगे तो स्वयं भगवान हमारा साथ आएंगे और हमारा क्या जरूरी है स्वयं पूर्ति करेंगे इसमें हम लोग कुछ मांगना ढूंढना नहीं पड़ेगा मैं साई के मिशन में लगे हुए करीब तीस साल हो गया मैंने भगवान साई का उपदेश और इस मार्ग में लगे हुए बहुत बड़ा दिग्गज और बहुत गरीब अमीर से मिले हुए हैं इसके साथ साथ बहुत समस्या में गुजरे हुए और दीर्घ रोग से पीड़ित और कईयों समस्या में उलझे हुए आदमी का भी अनुभव अनुभूति सुने हुए हैं सबका मुंह से यही सुनते हैं कि भगवान साई के मार्ग में चल के सब को ही आनंदित बने हुए हैं और सब कहते हैं कि भगवान साई को सच्चा हृदय और सच्चा प्रेम भाव से पुकारेंगे तो स्वयं भगवान आकर अपना दुख निवारण कर देते हैं यह मेरे ये मेरे जीवन में भी बहुत अनुभव और अनुभूति है ऐसा अनुभव और अनुभूति हर शाही भक्त में कुछ न कुछ तरीका से सबके जीवन में आए हैं इसके लिए स्वयं हम लोग खुद होंगे जो इसका अनुभव और अनुभूति ले अनुभूति ले चुके हैं और सब जानकर है जिसके पास बाकी है वो भी अपना जीवन साईमये बनाओगे बनाओगे तो भगवान साई बाबा आपका पुकार सुन के आपको भी अनुभव और अनुभूति कराएंगे इसके लिए श्री अलवेज इन साइड यही सिद्धांत का पालना करते रहो पालना यही सिद्धांत का पालन करते रहो और अपना अंदर हृदय में झाको और प्रेम भर के रखो भगवान श्री संजय साई बाबा निरंतर अटूट एक करने के लिए हम सब लोग को सदबुद्धि यही प्रार्थना करेंगे ओम श्री राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म दसमे श्री गुरु नमो माई हम्बल प्रणाम फीट ऑफ भगवान श्री संजय साई बाबा When it's about God and something superficial, we always tend to look up. That's very human nature. But we all know that the real power is within us. What's that force that forces us to see within ourselves? I could never realize this better until I met you. Merely anyone can describe God and His power in words. I have read somewhere that it is difficult to meditate about the invisible form that's why god has descended in physical form to ease human path for liberation and here you are swami to constantly guide human beings to the path of liberation you have shown the right path the right conduct by the service to the needy and the love for each other i haven't seen you as rama as krishna like others some managed to see you as siva at kailash some saw you as ganesh but I haven't seen you in any other form still now, except you. But yes, I have experienced your divinity till scratch off my soul. I can feel that in every breath I take, and in every beat of my heart, and here I am, offering myself onto your divine lotus feet. Totally, without any condition. It's only love and pure love, ultimate, total surrender. And there is no clause and no condition for this; you are everything for me in just the way you are, and I belong to you in whatever form you choose me to be me. How can one stay away from God himself after knowing that He is the one and he is right in front of you staring at you? What can I say more about you? What can I sing more about your glory when you dwell in everything and in everywhere? I see nothing about myself. Truly, really you and yours—that enormous feeling that you are always there—is the only source of my living, Swami. The experience that you have given me is unexplainable. It can only be felt in deeper way. But yes, the glory of God is always for to sing, my dearest Swami. You are the creator. You are the destroyer. You are the love, and you are the source of every being. There is nothing beyond you, and there is nothing above you. I only pray, let me stay unto your lotus feet until I get merged into you. Let that go on and on, just life unto life, until we mingle to be one. It is our great, great fortune to be born in your era on this very auspicious day. I wish you many more happy returns of the day, dear Swami. May your glory be sign. And sung in every era of the universe. A oh, very, very happy birthday to you. Last but not the least, sense of realization is the great thing and is the only way to liberation. That is what I have learned from you. My humble pranam at your divine lotus feet, Swami. Om Sri Sandhi Sai Baba and Om Saira.